get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह बिहार के काराकट संसदीय सीट से निर्दलीय चुनावी पर्चा भरकर सुर्खियों में आ गए हैं और पवन सिंह जो हैं वो काराकट के मैदान में जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। और जो नामांकन करने के दौरान जब मंच पर गए थे तो वहां पर उनकी माँ भी मौजूद थी, पत्नी मौजूद थी, भोजपुरी के तमाम दिग्गज कलाकार मौजूद थे और उनकी माँ जो है आंचल फैलाकर पवन सिंह के लिए वोट मांगती नजर आ रही थी। लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि पवन सिंह की माँ ही पवन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गई हैं। जी हाँ, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्यों ये मामला पकड़ा है, तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों, बात करें तो काराकट लोकसभा क्षेत्र से मंगलवार को प्रतिमा देवी यानी कि पवन सिंह की माँ ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन कर दिया है, नामांकन भर दिया है। जी हाँ, नामांकन पत्र जिला निर्वाची अधिकारी नवीन कुमार के समक्ष जो है वो दाखिल किया गया है। प्रतिमा देवी भोजपुरी फिल्म अभिनेता तथा काराकट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह की माँ हैं। उनके नामांकन के बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। प्रतिमा देवी के नामांकन के पीछे जानकार अलग अलग तरीके के कयास लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस माँ के आदेश पर पवन सिंह ने काराकट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, अब कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि माँ स्वयं प्रत्याशी बन चुनाव में आ गई हैं। नामांकन से लेकर कई सभाओं के दौरान बेटे के साथ साथ दिखाई दे रही प्रतिमा देवी के नामांकन के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच व 17 मई को नाम वापसी के अंतिम दिन स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। नामांकन के दौरान पवन सिंह के अलावा उनके साथी कलाकार भी समाहरणालय और आसपास पर नजर जो है वो नहीं आए थे। लेकिन अब पवन सिंह के खिलाफ उनकी माँ ने जब नामांकन दाखिल कर लिया है तो वजह चर्चाओं का विषय बना हुआ है। खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि हो सकता है कि निर्दलीय प्रत्याशी के लिए एक लिमिटेशंस होती है सोर्स रिसोर्सेज इस्तेमाल करने का। तो पवन सिंह 2 करोड़ की गाड़ी से ही गए थे जो रिसोर्सेज से आउट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर या फिर कोई गलतियों के चलते नामांकन रद्द हो जाते हैं। तो शायद अगर पवन सिंह का नामांकन रद्द हो जाए तो उनकी माँ बनी रहे, चुनाव प्रचार में बने रहे पवन सिंह, इसलिए अपनी माँ को चुनावी मैदान में उतारा है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है, किसको चुनाव लड़ना बेहतर होगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।